हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बाजरे के खिचड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाजरे का खिचड़ा, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने बाजरे का दलिया लिया है। बाजरा जो कि ठंड के मौसम में बहुत आता है और हमें ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म भी होता है। इसके अलावा रिच ऑफ आयरन रहता है, बहुत ज़्यादा बाजरे में कैल्शियम होता है। हमें किसी न किसी रूप में बाजरे का ज़रूर ही सेवन करना चाहिए। इसके लिए बाजरे का खिचड़ा आज मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप्स में बता रही हूँ। बाजरे के खिचड़े के लिए मैंने लिया है 1 बड़े कटोरी भर के बाजरा लिया है। 3 तरह से मैं आपको बाजरे का खिचड़ा बताऊंगी। 1 बाजरे का खिचड़ा मैं गुड़ के साथ बता रही हूँ, जो कि हम बाजरा, गुड़ और घी के साथ खाते हैं। दूसरा बाजरे का खिचड़ा मैं आपको बता रही हूँ दूध के साथ बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, शुगर ली है। शक्कर के साथ मैं बाजरे का खिचड़ा बता रही हूँ दूसरा। तीसरा मैं आपको जो बाजरे का खिचड़ा बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही मसालेदार खिचड़ा है ये। इसके लिए मैंने, इस मसालेदार खिचड़े को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3-4 लहसुन की कलियाँ, जिसे मैंने मोटे मोटे काट के रखे हैं। 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़े से मैंने मटर के दाने लिए हैं। सूखे मसालों में मैं ले रही हूँ, धनिया पाउडर लिया है मैंने, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्ची लिया है, नमक और राई के दाने। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ले रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बाजरे को उबलने रखेंगे। जितना हमारा बाजरा है उससे डबल मात्रा में हम पानी लेंगे। फ्रेंड्स, इसे यदि हमें जल्दी बनाना है तो हम कुकर में ही बनाएं। कुकर में बहुत ही जल्दी बाजरे का खिचड़ा बनकर तैयार होता है, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी बाजरे का दलिया लिया है तो 3 कटोरी हम उसमें पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कटोरी और 3 कटोरी पानी डालकर कुकर में अब हम इसे रखेंगे और 3 सीटी बजाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर में अब हम इस बाजरे के दलिया को उबलने रखेंगे और 3 सीटी हम बजा लेंगे। कुकर में मैंने जाली लगा दी है, स्टीम देंगे हम इसे और इस तरह से इसका ढक्कन लगाएं ताकि बाजरे के ये दलिया ऊपर ना आने पाए। और अब हम कुकर बंद करेंगे और 3 सीटी बजाएंगे। ये देखिए, मैंने 3 से 4 सीटी स्लो फ्लेम में बजा ली है। अब हमारा बाजरे का ये जो दलिया है बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये पक चुका है। धीमी आंच में 4 से 5 सीटी आप इस बजा लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे, कितना ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम बाहर निकालें। ये देखिए, अब मैं आपको 3 तरह के अलग अलग बाजरे का खिचड़ा बता रही हूँ। इसके हम 3 हिस्से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दूध वाला बाजरे का खिचड़ा बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बाजरा अलग कर लिया है। ये देखिए, अब मैं 1 कटोरी बाजरा है तो 3 कटोरी मैंने दूध लिया है। दूध को मैं उबलने रख रही हूँ। दूध हमारा उबल रहा है, तब तक के हम दूसरा बाजरे का खिचड़ा भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा गैस भी ऑन कर दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको गुड़ वाला बाजरे का खिचड़ा बता रही हूँ। यदि हमारा 1 कटोरी बाजरा है तो हम 1/2 कटोरी गुड़ लेंगे। 1/2 कटोरी गुड़ मैं इसमें डाल रही हूँ पैन में और 2 कटोरी अब हम इसमें पानी डालेंगे। खिचड़ा थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 कटोरी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और गुड़ को मेल्ट होने तक के हमें पिघलाना है। ये देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। अब इसमें हम बाजरे का दलिया, जो कि 1 कटोरी है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि गुड़ की चाशनी में ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाए, तब ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इसे मुझे सिर्फ 5 मिनट ही गुड़ के इसमें पकाना है। ये देखिए, दूध उबल चुका है, इसमें भी मैं 1 कटोरी बाजरे का दलिया ऐड कर रही हूँ और इसे अब हमें दूध में कम से कम 5 से 7 मिनट पकाना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से, बाजरे का ये जो खिचड़ा है ये बहुत अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। शक्कर हम थोड़ी देर से डालेंगे। अब ये देखिए, गुड़ का हमारा बाजरे का खिचड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मुश्किल से 2-3 मिनट ही मैंने गुड़ की चाशनी में पकाया है।
अभी ये रखे रखे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अब हम गैस बंद कर सकते हैं और इस तरफ हमारा ये देखिए दूध का खिचड़ा भी हमारा होने आया है। अभी 2-3 मिनट और गाढ़ा करें, ये भी ठंडा होने पे थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अब हम हमारी तीसरी रेसिपी शुरू कर रहे हैं, मसालेदार बाजरे का खिचड़ा। इसके लिए मैं 1 छोटे चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो रहा हो जाए उसके बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच राई के दाने डालूंगी। ये देखिए दूध वाला बाजरे का खिचड़ा हमारा तैयार है। अब इसमें मैं 2 बड़े चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। यदि शक्कर कम खाते हैं तो थोड़ी कम कर दें, मैंने 2 चम्मच ही शक्कर डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और अब हम गैस बंद कर सकते हैं। गैस बंद करके हम थोड़ी सी इसमें किशमिश डालेंगे, किशमिश से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि आपको इलायची पसंद है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। राई हमारी तड़कने लगी है, अब हम इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्ची डाल रहे हैं। 4-5 मैंने लहसुन की कलियां हैं जिसे मैंने मोटा मोटा काट के रखा है, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। लहसुन हमारे लाल हो चुके हैं, अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। 1/2 कटोरी मैंने इसमें मटर डाला है और नमक के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची डाल रहे हैं, ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालें क्योंकि अभी हमने हरी मिर्ची का भी यूज़ कर लिया है। अब इसमें मैं बाजरे का दलिया, देखिए मैंने आपको 3 तरह से बाजरे का दलिया बताया है, अब इसमें हम बाजरे का दलिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डालेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा भी अच्छा लगे ये, और थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया डालेंगे। नींबू यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो 1 पूरा डालिए, नहीं तो आप 1/2 डालें। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बाजरे का मसालेदार खिचड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करें। ये देखिए फ्रेंड्स बाजरे से मैंने 3 तरह के खिचड़ा आपको बताया है। ये दूध वाला खिचड़ा है, अभी ये थोड़ा सा ठंडा होकर और भी गाढ़ा होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली है। गुड़ वाले बाजरे के खिचड़े में हम थोड़े से काजू बादाम से इसे गार्निश करेंगे, खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सर्व करते समय इसमें घी जरूर डालें। तीनों खिचड़े को हम सॉरी फ्रेंड्स दूध वाला खिचड़ा तो हम मीठे के रूप में खाएंगे, बाकी ये दोनों खिचड़े को हम पतली कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं।